बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 12.4 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम आज ज़ीरोग्राफी को डील करेंगे। बच्चों, ज़ीरोग्राफी बेसिकली कॉपिंग प्रोसेस है। जो फोटोकॉपी हम करवाते हैं वो ज़ीरोग्राफी ही है। जैसे हमें कोई भी चीज़, कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए हो, हम फोटोस्टेट वाली दुकान पर जाके उसको कॉपी करवा लेते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो फोटोकॉपी की मदद से हम किया जाता है और इसको हम ज़ीरोग्राफी प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से कुछ डिफाइन कर सकते हैं, द कॉपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। अब बच्चों, ये जो ज़ीरोग्राफी है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, तो ये भी आपका एमसीक्यूज़ भी बनता है यहाँ से कि ज़ीरोग्राफी इज़ ग्रीक वर्ड। तो बेसिकली ये जो ग्रीक वर्ड ज़ीरोज़ एंड ग्राफोस से निकला है, और ज़ीरोज़ एंड ग्राफोस का मीनस जो है वो ड्राई राइटिंग होता है। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करेगा? बेसिकली जो ज़ीरोग्राफी है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर ही डील कर रही होती है। बेटा, हमने लास्ट 3-4 टॉपिक जो हैं वो देखे, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डील किया, और जिसमें हमने ये सीखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह से जो पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस जो ज़ीरोग्राफी है ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही तो बेस करती है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो ज़ीरोग्राफी है इसमें हम ये देखेंगे कि हम अनलाइक चार्जेस जो हैं उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक डॉक्यूमेंट जो है उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। जैसे यही डॉक्यूमेंट है, हमने लिखी हुई है, तो इसको फोटोकॉपी और मशीन में हम अगर पास करें तो क्या होगा कि इसी जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल हूबहू इसी का एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री पेज जो है वो आ जाएगा। उसमें प्रोसेस क्या होता है? तो बेसिकली जो ज़ीरोग्राफी या जो फोटोकॉपी और मशीन है, उस मशीन के 5 बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स और भी होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन रोल होता है वो इन 5 पार्ट्स का ही होता है। तो आइए हम देखते हैं ये कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले एक लैंप लगा होता है, और इसके बाद लेंस लगे होते हैं, और इसके बाद एक ड्रम होता है। इसमें बेसिकली जो ड्रम है इसको हम हार्ट ऑफ दी ज़ीरोग्राफिक मशीन कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है कि ड्रम जो है वो ज़ीरोग्राफिक मशीन का हार्ट कहलाता है। देखो बच्चों, आपने फोटोकॉपी करवाते हुए देखा होगा कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो पेज शॉप वाले को पकड़ाते हैं तो पेज को वो उल्टा करके रखते हैं। जो चीज़ हमने उसमें से कॉपी करवानी है उस फेस को वो उल्टा रखेंगे, और वो किसी शीशे के ऊपर रख रहे होते हैं। नीचे से एक लाइट आती है, तो वो लाइट कौन प्रोवाइड करता है? ये लैंप वो लाइट बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है। अब क्या होता है, जब उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसका एक इमेज बनता है, और वो लेंसेज की मदद से ड्रम के ऊपर टकराया जाता है। लेंस क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखो बच्चों, आपने कई दफ़ा माइक्रोकॉपी भी करवाई होगी, तो माइक्रोकॉपी या फिर किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ कम या ज़्यादा करना है और उस लाइट को वापस फोकस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेंसेज को यूज़ करते हैं। अभी हम इसको डिटेल में भी देखते हैं कि किस तरह से हम माइक्रो कर सकते हैं, किस तरह से ये जो लेंस है इनको हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं, और लाइट किस तरह से डॉक्यूमेंट से होके वापस लेंसेज के ऊपर आती है। और इसके बाद टोनर इसमें इस्तेमाल करते हैं। टोनर बेसिकली जो है इसमें इंक होती है, इसको हम नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पाउडर कहते हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो नेम है वो टोनर रखा हुआ है। टोनर जो है इसमें ब्लैक पाउडर्ड शेप इंक होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है। और इसके बाद इसका जो आखिरी मेन पार्ट होता है वो रोलर्स हैं। रोलर्स जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और इसका भी पेपर में क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोलर्स। और इसके बाद और भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है यहाँ में से, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टोनर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्रम। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को और इनके फंक्शंस को अभी हम अलग अलग से एक्सप्लेन करते हैं, और हम देखते हैं कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसी फोटोकॉपियर मशीन का वो क्या है, और उसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। अभी इन मेन पार्ट्स को समझने के बाद, उनके देखने के बाद, अब हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये फोटोकॉपियर मशीन जो है उसका इनसाइड स्कीमेटिक व्यू जो होता है वो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो इसमें वही 5 कंपोनेंट जो है वो मैंने ड्रा किए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट हमने लिखा था लैम्प, और इसके बाद ये पेज है जिस पेज को हम कॉपी करना चाहते हैं, और यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट लेंस आ गए हैं, थर्ड नंबर के ऊपर इसका कंपोनेंट जो है ड्रम है, और ड्रम को हम हार्ट ऑफ दी फोटोकॉपियर मशीन भी कहते हैं, चौथा कंपोनेंट यहाँ पे टोनर है, और इसके बाद ये प्रेशर रोलर्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब हम इनको 1 by 1 डील करते हैं कि ये कैसे जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। देखो बच्चों, जब भी हमने कॉपी करवानी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेड पेज लेते हैं जिसको कॉपी करना है,
और इस पेज को हम जो है वो फेस डाउन करके जो है वो ग्लास के ऊपर रख देते हैं। फोटोकॉपीर मशीन में ग्लास होता है, नीचे से एक लैंप जो है वो मूव करता हुआ इसके ऊपर तमाम पार्ट्स के ऊपर जो है वो लाइट को डालता है। अब लाइट हर पार्ट के ऊपर डालता है, तो जब लाइट यहाँ पे पड़ती है तो लाइट यहाँ पे पड़ने के बाद यहाँ से एक इमेज लेके जाती है उन वर्ड्स का जो यहाँ पे लिखे होते हैं। तो बच्चों देखो, एक प्रॉपर्टी है लाइट की और इसकी रिफ्लेक्शन की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो क्या होगा जब लाइट पड़ेगी, तो ये ए क्या है, ये एक डार्क चीज़ है। और इसी तरह से यहाँ पे बाकी हिस्सा क्या है, सारे का सारा वाइट है। और ये प्रॉपर्टी है कि जो वाइट चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ऐसे वाइट कलर है तो ये सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी लाइट हमने पढ़ा ना कि 7 कलर होते हैं, यानी जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जो हमें नज़र आते हैं, वो 7 कलर हैं। तो वो 7ों के 7ों कलर जो हैं वो इस वाइट लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो कलर है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस कॉपिंग मशीन में हम जस्ट जो है वो ब्लैक कॉपी की बात कर रहे हैं, हमारी बुक में जस्ट ब्लैक कॉपी को डील किया गया है, तो हम भी इसे ब्लैक ही तस्लीम कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, तो अब देखें बच्चों, ये जो वाइट है यहाँ से तमाम की तमाम लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये आके कहाँ पर पड़ेगी, ड्रम के ऊपर पड़ेगी। और जो हमारे पास ब्लैक है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि ये ब्लैक कलर जो है ये लाइट को अब्जॉर्व कर लेगा। आपने तजर्बा किया होगा, आप लोग फुटबॉल खेलते हो या फुटबॉल पोल को देखते हो, तो वो पोल्स जो हैं वो 2 कलर के होते हैं, एक उसमें वाइट कलर होता है और उसमें दूसरा कलर ब्लैक होता है, यानी कुछ पोर्शन उसमें वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक इस तरह से बनाया होता है। आप कभी ऑब्जर्व करें, आप जाके उस पोल को पकड़ें जहाँ पर वाइट है वो बिल्कुल जो है वो कूल होगा, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और अगर आप ब्लैक को पकड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये आपने अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो ऑब्जर्व करना है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर है, वो क्या करता है, वो जो वाइट है वो जितनी भी एनर्जी उसके पास आती है या जो भी रेज उसके पास आती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ब्लैक क्या करता है, ब्लैक उस एनर्जी को उन रेडिएशंस को अब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है, इसीलिए उस ब्लैक का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जबकि जो वाइट कलर है उसका। तो बच्चों होगा क्या, ये जो वाइट कलर है ये जो ब्लैंक पेपर है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और ए उस लाइट को इस लैंप से आने वाली लाइट को अब्जॉर्व कर लेगा और वो लाइट इस लेंस से होती हुई आके इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी। बच्चों जब लाइट ड्रम के ऊपर पड़ेगी तो देखें जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वह तमाम हिस्सों के ऊपर लाइट पड़ रही होगी, लेकिन ए ने तो लाइट अब्जॉर्व कर ली है तो ए वाली लाइट यहाँ पर नहीं बन रही होगी। मीन दैट के बिल्कुल ड्रम के ऊपर भी ए जो है वो बन रहा होगा, एक प्रॉपर इस डॉक्यूमेंट का इमेज जो है वो इस ड्रम के ऊपर आ गया है। अब हम देखते हैं कि ड्रम इस इमेज को इस ए को क्या करेगा। ये जो ड्रम है बेसिकली ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है जिसमें एलुमिनियम और सेलेनियम इस्तेमाल किया जाता है। एलुमिनियम जो है उससे ड्रम की कोर बनाई जाती है और इसके ऊपर कोटिंग की जाती है सेलेनियम की। बच्चों अब एलुमिनियम और सेलेनियम में जो बेसिक डिफरेंस है, एलुमिनियम एक कंडक्टर है और सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। कंडक्टर, अब देखते हैं हम कंडक्टर क्या चीज़ होती है। तो एलुमिनियम एक कंडक्टर है जिसमें ड्रम की कोर बनाई हुई है। तो बेसिकली कंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, उनको कोई भी कंडीशन नहीं है, वो हर सूरत में उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मौजूद होंगे। लेकिन फोटो कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो फोटो ये भी कंडक्टर है, लेकिन कब, जब इसके ऊपर फोटो मीन लाइट पड़ रही होगी, यानी सेलेनियम के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा, जब लाइट नहीं पड़ेगी तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी इसमें फिर चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। और इसमें जो दूसरी चीज़ है, ये जो इसमें सेलेनियम की तह है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है उसको स्प्रे किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो ऑलरेडी स्प्रेड होता है यहाँ पर, वो भी एक कोरोना वायर होती है, कोरोना वायर, उस कोरोना वायर की मदद से इस एलुमिनियम के ड्रम के ऊपर जो सेलेनियम की तह है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है उसको स्प्रेड किया होता है, यानी इस एलुमिनियम के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इस सेलेनियम की तह में क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। और हमें पता है कि ये सेलेनियम जो है जब इसके ऊपर कोई लाइट फॉल होगी तो ये क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। तो इसके ऊपर जब हम लाइट को फॉल करवाते हैं तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करती है, तो ये उन चार्जेस को फ्लो करवा सकती है। और इसमें जो ड्रम की कोर है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मौजूद हैं, एलुमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इनको कोरोना वायर की मदद से ही पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब देखें बच्चों, जहाँ जहाँ पर लाइट फॉल करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो सेलेनियम है वो कंडक्टर बन जाएगा। हमें पता है कि ये सेलेनियम की तह है और सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी जो है वो स्प्रेड किए हुए हैं,
तो अब क्या होगा, जिस पॉइंट के ऊपर भी लाइट आके फॉल करेगी वो पॉइंट जो है वो कंडक्टर बन जाएगा, और ड्रम से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी ड्रम की कोर से इलेक्ट्रॉन आते हैं एलुमिनियम से, और इस पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन वो हिस्सा जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही थी, तो क्या वो कंडक्टर होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही, और सेलेनियम जब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, वो चार्जेस को मूव नहीं होने देता। तो देखो बच्चों, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट नहीं पड़ी, लेट्स सपोज ये ए था, तो ए की जगह जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो मौजूद होंगे, यानी इस ए के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस वैसे के वैसे ही रहेंगे, बाकी तमाम जो इसके क्रॉस एरिया है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ड्रम से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। अब क्या होगा, अब ये ए जो है ये रोलर, ये ड्रम मूव कर रहा होता है, ये रोटेट कर रहा होता है, और ये टोनर के साथ लगेगा। अब टोनर जो है इसमें ब्लैक पाउडर होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब वो टोनर जो है इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, जब टोनर जो भी हिस्सा इस रोलर का गुजरता है टोनर के पास से, तो टोनर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो ब्लैक पाउडर्ड नेगेटिव चार्ज पाउडर जो है वो इसके ऊपर स्प्रे कर देता है। अब क्या होगा, जिस हिस्से के ऊपर लाइट नहीं पड़ी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आके चिपक जाएंगे, तो बाकी हिस्से पे इलेक्ट्रॉन यानी वो नेगेटिव पाउडर जो है वो नहीं चिपकेगा, तो इस ए के ऊपर क्या होगा, वो जो हमारे पास टोनर है वो चिपक जाएगा, यानी ब्लैक पाउडर जो है वो ए के ऊपर चिपक जाएगा। और जब ये जो रोलर है, ये ड्रम जो है वो ये मूव करता हुआ रोटेट करता हुआ इस पेज को लगेगा, और मशीन की मदद से ये जो पेज है ये नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव किया जाएगा। तो जब ये पेज नीचे से मूव किया जाएगा तो इसके ऊपर बिल्कुल सेम प्रोसेस में जो ए है वो छप जाएगा, बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि ये जो पेज है इसको भी जो है वो फोटोकॉपियर मशीन पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देती है। स्टार्ट में जब इसने जहाँ से गुजरना होता है, जब इसने इस रोलर के साथ ड्रम के साथ लगना होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पेज के ऊपर स्प्रेड होते हैं। तो अब यहाँ पे जो इंक है, जो ड्राई इंक है, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो जब पेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सारी की सारी इंक जो है वो इस पेज के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। अब बात ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस ड्रम के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज थे, तो बच्चों जो ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कम पोटेंशियल का होता है, जबकि पेज को जो मशीन पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करती है वो हाई पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पेज के ऊपर आके चिपक जाएंगे। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर प्रेशर रोलर्स का। प्रेशर रोलर्स जो है ये हीट भी प्रोवाइड करते हैं, जब ये पेज यहाँ से मूव करता हुआ इन प्रेशर रोलर से गुजरेगा तो प्रेशर रोलर्स इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और इन्हें हीट देंगे। उस हीट से क्या होगा, इस पेपर के ऊपर जो स्याही है, जो ड्राई इंक है, जो टोनर है, वो टोनर जो है वो मेल्ट हो जाएगी और डॉक्यूमेंट जो है उसका इंप्रेशन परमानेंट हो जाएगा। तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी फोटोकॉपी से पेज निकलता है तो वो हीट होता है, वो गर्म होता है, तो उसकी वजह क्या है, उसको जो हमारे पास प्रेशर रोलर्स हैं वो हीट प्रोवाइड करते हैं और उसमें जो इंक आती है उसको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके वो फ्यूज़ कर देते हैं उसे पेज में। तो इसके लिए ये भी एक आंसर है कि जो हमारे पास प्रेशर रोलर्स हैं उनका फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ पर प्रेशर रोलर्स का फंक्शन भी लिख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड हीट टू पेज एंड मेल्ट द इंक टू फ्यूज़ द इंक इन द पेज टू प्रोड्यूस परमानेंट इंप्रेशन ऑन डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो है उसका इंप्रेशन परमानेंटली रहेगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं और ये वही लिखी हुई हैं कि एलुमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर, सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर वही होता है लाइट और फ्री टू मूव चार्ज, यानी जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो फिर ये चार्ज प्रोवाइड करेगा, तो जब लाइट नहीं पड़ेगी तो ये हमारे पास एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा। और इसके बाद सेलेनियम इज़ पॉजिटिवली चार्ज, जो सेलेनियम होता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑलरेडी स्प्रेड कर देते हैं। और इसके बाद लाइट इंसिडेंट ऑन डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स पास थ्रू लेंसेज, क्या होता है कि लाइट सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आके पड़ती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, लेंस से पास होती है और सेलेनियम के ऊपर फॉल करती है। पॉजिटिव चार्ज इमेज रिमेन ऑन सेलेनियम, अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्प्रेड थे, जहाँ पर लाइट नहीं पड़ी तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेंगे, तो लाइट ए वाली जगह ने अब्सॉर्ब कर ली थी, तो ये जहाँ पर नहीं पड़ी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होंगे। देन ब्लैक टोनर इज स्प्रेड ऑन ड्रम नेगेटिवली चार्ज, जब ये टोनर जो है इसमें से नेगेटिवली चार्ज टोनर नेगेटिवली चार्ज पाउडर जो है वो स्प्रे किया जाता है,
तो पॉजिटिव चार्ज के साथ वो नेगेटिवली चार्ज पाउडर जो है वो चिपक जाता है। टोनर ट्रांसफर्ड ऑन हाईली पॉजिटिव चार्ज पेज, तो इससे क्या होता है जब ड्रम रोल करता है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज और की वजह से नेगेटिव टोनर जो है वो चिपका था, तो वो नेगेटिव टोनर जो है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। पेज पास थ्रू रोलर विच मेल्ट द टोनर इनटू द पेपर, तो पेज जो है वो इस प्रेशराइज्ड रोलर्स में से पास होता है, जो रोलर्स क्या करते हैं इनको मेल्ट करते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं, परमानेंट इम्प्रेशन इज प्रोड्यूस। तो ये हमारी जो कॉपी है वो बन चुकी है। अब इसी आर्टिकल में से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में नीचे चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम मूव करते हैं इसी आर्टिकल के क्विज की तरफ, तो जिसमें दो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं। पहला शार्ट क्वेश्चन ये है वाई वी यूज़ नेगेटिवली चार्ज टोनर, यानी जो टोनर है इसमें हम नेगेटिव चार्ज को ही क्यों यूज़ करते हैं। तो इसकी रीज़न ये है बच्चों के बिकॉज इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है दैट इन विच ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, यानी ऑपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड स्प्रेड पॉजिटिव चार्जेस ऑन सेलेनियम, और हम ऑलरेडी इस सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनको स्प्रेड कर चुके हैं, दोनों ऑपोजिट चार्ज होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं ये फोटोकॉपी मशीन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और तभी हम इंक को जो है वो इस चार्ज के ऊपर चिपका सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोलर्स, के रोलर्स जो हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों रोलर्स जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमें पता है कि रोलर जो हैं वो प्रेशर भी प्रोवाइड करते हैं और इसके बाद रोलर्स जो हैं वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी जब भी कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इन रोलर्स में से पास की जाती है, जैसे ये ए लिखा हुआ है पेपर में से पेपर के ऊपर, तो ये जब इन रोलर्स में से पास होगा तो रोलर क्या करेंगे इसके ऊपर मौजूद इंक जो है उसको वो प्रेस करेंगे, उसको वो मेल्ट करेंगे और इस पेपर में फ्यूज़ कर देंगे, और इस तरह से जो इम्प्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो बन जाएगा, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारी परमानेंटली फोटोकॉपी हो चुकी है। तो अब हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इन रोलर्स को यूज़ ना करते तो हम ये जो इम्प्रेशन था ये परमानेंटली नहीं रख सकते थे। तो इसको आप नोट कर लें, रोलर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय मेल्टिंग द पाउडर टू फ्यूज़ इन पेपर, यानी वो मेल्ट करते हैं पाउडर को और पेपर में फ्यूज़ कर देते हैं। अब हम मूव करते हैं इसी आर्टिकल के तीन इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ज़ीरोग्राफी इज़ लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड, तो ज़ीरोग्राफी जो है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। इसी तरह से दूसरा MCQ इसमें आता है कि ज़ीरोग्राफी जो है इसका मीन क्या है। तो इसके चार ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें मोल्टन राइटिंग, ड्राई राइटिंग, इसमें और भी ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें पता है कि ज़ीरोग्राफी मीन्स दैट ड्राई राइटिंग। तो इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट MCQs है वो ये MCQ है कि दी हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन इज़, तो हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन जो है उसमें भी तीन चार ऑप्शन दिए होंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उन तमाम का नेम लिखा होगा, लेकिन हमें पता है कि ड्रम इज़ दी हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। तो बच्चों आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इसको नोट कर लेना है, लिख के देख लेना है और जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।